हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द एक्यूरेट वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है इसकी फिनिशिंग पे। जो अपना मॉन्स्टर पेंट बिल्ड हो रहा था 1000 गैलन्स का, उसकी फिनिशिंग पे ये वाली वीडियो होने वाली है। इस वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैंने उसमें कौन सा कलर किया है, कैसे कलर किया है, और उसमें मैंने अपना लोगो कैसे बनाया है। इस पर एक्यूरेट वर्ल्ड का पूरा लोगो प्रिंट किया है, तो वो कैसे किया है तो वो सब इस वाली वीडियो में रहेगा फ्रेंड्स। और जो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो सिक्स्थ पार्ट होगा, ये वाला जो फिफ्थ पार्ट है, और अगर आपने पहले के चार पार्ट नहीं देखे तो उन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और जो अभी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है सिक्स्थ पार्ट, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने उसमें मतलब वाटर फिल वगैरह फिलिंग फिल करेंगे तो वो सब दिखाएंगे, और उस पर नेट से कैसे कवरिंग करी है ऊपर से, ताकि मेरी जो एरवाना है स्पेशली जिसके लिए मैं ये वाला पॉइंट बना रहा हूँ वो बाहर जंप करके बाहर ना आ जाए। क्योंकि एरवानास को वाटर मंकी भी बोला जाता है, क्योंकि वो जंप बहुत ज़्यादा करती हैं अपने एक्वेरियम वगैरह पॉइंट वगैरह से। कभी भी उन्हें कोई बग वगैरह दिखता है ऊपर उड़ता हुआ तो बहुत ज़्यादा जंप करते हैं किसी भी कारण से, लेकिन उन्हें वाटर मंकी बोला इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि वो जंप इतना ज़्यादा करती हैं। तो इसलिए उस पर एक नेट की कवरिंग भी देंगे, तो वो सब वाटर फिलिंग और नेट ही कवरिंग नेक्स्ट पार्ट पर होने वाला है। तो इस वाले पार्ट में सिर्फ कलरिंग और थोड़ा फिनिशिंग टच वगैरह देंगे, उसकी जो पॉन्ट शीट वगैरह एक्स्ट्रा वो सब कट करेंगे, उसको एक अच्छे से लगाएंगे, तो एक पूरा फिनिशिंग टच देंगे इस वाली वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले एक्यूरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको एक्यूरेंस वर्ल्ड के थ्रू मिले। तो फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं, और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो यूट्यूब एनालिटिकल्स है उसमें मेरे जो नॉट सब्सक्राइब्ड हैं वो अराउंड 70% प्लस हैं, और जो मेरे सब्सक्राइब्ड हैं वो ओनली 20-22% ही दिखा रहा है। तो मतलब सिर्फ 20-22% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है चैनल जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अबाउट 70-75% लोग ऐसे हैं जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरी रेगुलरली वीडियोस, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस मिलें। क्योंकि आगे और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड, सारे एक्वेरियम वगैरह का अपडेट वगैरह आने वाला है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए सेटअप्स, एक्वास्केप्स, बहुत कुछ आने वाला है अभी। तो उन सबको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। और अभी हीटर पे भी एक वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, हो सकता है कि इसी सीरीज़ के बीच में मैं उसको ले आऊँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ठंडों का सीज़न आ गया है, सब लोग हीटर लगा रहे हैं अपने एक्वेरियम में, तो वो वाली वीडियो भी मस्ट है, और आपको और अच्छे से पता चलेगा सब कुछ हीटर के बारे में। तो सब कुछ उसके बारे में लाऊंगा, अबाउट एक या दो वीडियो आएंगे हीटर के ऊपर, कैसे आपको हीटर यूज़ करना चाहिए, क्या आइडियल टेम्परेचर रहते हैं, और कैसे उसको यूज़ करना चाहिए, कौन सा अच्छा होता है, सब कुछ मैं उसमें बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं, और करते हैं पूरा फिनिशिंग टच देते हैं अपने पॉइंट को। तो गाइस सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पॉइंट शीट निकल रही थी पूरे पॉइंट से यहाँ वहाँ, तो सबसे पहले तो हम लोग उसको कट करेंगे अभी, और फिर उसको कट करने के बाद इसको हम लोग फिर फोल्ड करके इसको एकदम इवनली लगाएंगे, ताकि ये थोड़ी अच्छी लगे देखने में। अभी तो कितनी ज़्यादा बेकार सी लग रही है, आप देख सकते हैं पूरे यहाँ वहाँ, आधी बाहर आधी अंदर, और कुछ ज़्यादा पार्ट बाहर लटक रहा है, कुछ अंदर लटक रहा है, तो इसको पूरा अच्छे से इवन करेंगे अभी हम लोग। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ, पूरा पूरे को मैं फोल्ड करूँगा इवनली एकदम, और उसके बाद स्टेपलर का यूज़ करके उसको स्टेपल कर दूँगा पूरी पॉन्ड शीट को, ताकि वो एकदम उसी शेप में रहे, वो बार बार बाहर लटके ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेकार सी लग रही है बाहर लटक के, बहुत ज़्यादा ऑड सी लग रही है। तो उसको एकदम इवन बना रहे हैं, एकदम अच्छे से पूरा लगेगा अपना पॉइंट, तो इसलिए उसकी फिनिशिंग टच दे रहे हैं अपन अभी। और उसके बाद फिर मैं इस वाले पॉइंट पर पूरे मैं पेंट करूँगा, तो चलिए फ्रेंड्स को अभी करते हैं पूरा एकदम इवन। We'll be right back.
अब हम हमारे पॉन्ड को पूरा पेंट करेंगे, और मैं इसको पेंट करने के लिए ब्लैक कलर चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल की पूरी थीम ब्लैक पे ही है, मेरा लोगो भी ब्लैक के ऊपर वाइट है, तो इसलिए हम लोग ब्लैक कलर लेंगे। और हम लोग ने एशियन पेंट का कलर लिया है, वो जो ऑयल पेंट्स होते हैं जो लोग लोहे के खिड़की दरवाज़ों पर अपने घर पर करते हैं, डोर्स वगैरह पे, विंडोज़ पे, तो वो वाला पेंट मैंने लिया है, क्योंकि ये एक तरीके से थोड़ा सा हल्का वाटरप्रूफ भी रहता है, तो अपने जो वुड का बाहर के वेदर्स कंडीशन है उससे भी थोड़ा प्रोटेक्ट रखेगा ये, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर को चूज़ किया था, और अच्छे से हो भी जाता है इससे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इसको पूरा पेंट करते हैं, उसके बाद मैं अपना इस पर एक लोगो बनाऊंगा एक्यूरिस्ट वर्ल्ड का, तो वो भी इसी वीडियो में होने वाला है, पूरी एंड तक देखना वीडियो फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं पेंट होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है पूरा ब्लैक कलर से ये। तो फ्रेंड जैसा कि भी आप देख रहे हैं कि लोगो बनना स्टार्ट हो गया है पॉइंट पे, तो लोगो बनाने के लिए मैंने अपने भैया की हेल्प कर ली थी, जो मेरे भैया हैं उनकी जो आर्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो फिर मैंने उन्हीं से बनवाया था, क्योंकि अगर मैं बनाता तो क्या पता मछली की जगह कुछ और ही बन जाता, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करने की सोचा, क्योंकि मेरी आर्ट इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो फिर मैंने उन्हीं से बनवाया, तो उनने पूरा अच्छे से एकदम इवनली बहुत अच्छी तरीके से सिमेट्रिकल पूरा लोगो बनाया अपना, फिश मेरी जो जिसमें फ़िश है और एक्वेरियस वाला अलग से लिखा हुआ है वो पूरा उनने बनाया, उनकी आर्ट क्योंकि फ्रेंड्स सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे भाई का नाम विशेष चौरसिया है, तो अगर आप उनकी अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, आप उनकी आर्ट वगैरह देखना चाहते हैं, आर्ट स्किल्स, तो मैं उनकी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी आर्ट स्किल्स देख सकते हैं, सच में फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, अभी आपको एंड में दिखी जाएगा कितने अच्छी तरीके से पूरा लोगो बनाया उनने। चलिए फ्रेंड्स पूरा लोगो बनाते हैं अपने इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी फिनिशिंग और लोगो और पेंट वगैरह होता है फिनिश, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है लोगो पूरा, कितने अच्छे तरीके से मेरे भाई ने बनाया है इस पर। फ्रेंड्स सच में मज़ा ही आ गया था इसको देखने के बाद, पूरे
पॉइंट को बनने के बाद इतना अच्छा लग रहा है ये पूरा ब्लैक पे एक्यूरेस्ट वर्ल्ड जो लोगो बनाया मेरा चैनल का फ्रेंड्स, सच में मज़ा आ गया था। अब इसमें बचा है जो है ये कि अपन जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उस पर नेट और वाटरफिल करेंगे, नेट की कवरिंग देंगे ऊपर ताकि एरवाना वगैरह जंप ना करे कोई भी फिश बाहर, और उसमें वाटरफिल करेंगे। और उसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी वो फिल्ट्रेशन वगैरह के ऊपर होंगी, और उसके बाद जो आएंगी वीडियोज़ वो उसमें एरवाना ऐड वगैरह करने की आएंगी। तो उन सबको देखने के लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सच में फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं अभी आगे। आपने देखा ही कितने अच्छी तरीके से पॉइंट बिल्ड हुआ है, पूरा फिनिशिंग टच मिल चुका है पॉइंट को। और फ्रेंड्स ऐसे ही जल्दी जल्दी मैं लाऊंगा अपडेट्स के ऊपर सब कुछ, और मेरे और भी वीडियोस आने वाली हैं, तो उन सबको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। तो यही थे आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना ताकि सबसे पहले एक्यूरेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको एक्यूरेंस वर्ल्ड के थ्रू मिले। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना, सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली हैं आगे इस चैनल पर। एरवाना वगैरह एड करेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वो पार्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, इसका फिल्ट्रेशन वगैरह आने वाला है, इसकी नेट से कवरिंग वगैरह आ रही है, और सारे प्लांट टैंक्स जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसकी ग्रोथ आपको दिख ही रही होगी, थोड़ा सा ब्लड है लेकिन दिख रहा होगा कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो उसकी भी अपडेट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है अपने चैनल पे, और कुछ हीटर्स से रिगार्डिंग और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे एक्वा स्किप्स वगैरह और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, मतलब पूरा एक्वेरियम स्टफ से रिलेटेड सब कुछ आने वाला है चैनल पे। तो फ्रेंड्स सबको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए प्लीज़ फ्रेंड, क्योंकि मैंने एनालिटिकल्स की जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग बात करी थी, तो वो सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहता है कि कोई वीडियोस देख रहा है उसको पसंद भी आ रही है लेकिन तब भी वो चैनल सब्सक्राइब करके नहीं जा रहा है। सो फ्रेंड्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।